बलिदानी लिख दो, जिनको बागी कहते थे उनको अब बलिदानी लिख दो। और जैसे गुरखा जाट मराठे के जाट लिखी है कंधे पर, मेरे भी अहीर लिखो या सबके हिंदुस्तानी। तो रेजिमेंट क्यों जरूरी है ये तो बताएंगे राव साहब बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इस रेजिमेंट के लिए लड़ेगा कौन। तो लड़ना तो भाई जो लड़ाई जो है दिल्ली में होनी है तो सबसे ज्यादा फर्ज हमारा बनता है, जो दिल्ली के चारों तरफ अहीर बसे हुए हैं उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उनकी है। हाँ ये मानता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में हमारी जनसंख्या है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी दूर से जो है हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचे। तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी बनती है। और ये जो हमारा जो है जो राव साहब जो कह करके हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, तो हमें अहीर रेजिमेंट तो लेनी ही लेनी है। और ये जो राव साहब का हमारा जो चला आ रहा है, अगर हम आज जीतते नहीं तो आने वाले टाइम में ये राव साहब भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आपको पहले यादव बोल लेंगे, फिर कुछ और बोल लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रेजिमेंट का मुद्दा सिर्फ रेजिमेंट का ना होकर के इस राव साहब को बचाने का भी है। उसके ऊपर चार पंक्तियां हैं मेरी। नाम के आगे राव लगा कर सोने वालों जागो, नाम के आगे राव लगा कर सोने वालों जागो, कौम के मान की खातिर बिस्तर छोड़ो नींद को त्यागो, दिल्ली का तुम तख्त हिला दो किरसन के जयकारों से, दिल्ली का तुम तख्त हिला दो किरसन के जयकारों से, संसद की दीवार हिला दो तुम नब वेदी नारों से, मैं कब कहता तुम बंदूक उठाओ गोली दागो, नाम के आगे राव लगा कर सोने वालों जागो, राव कहने का हक हमको पुरखों ने दिलवाया, राव कहने का हक हमको पुरखों ने दिलवाया, मान मिला है जो अब तक हमको पुरखों ने दिलवाया, कौम के मान की खातिर कुछ तुम भी तो दौड़ो भागो, और नाम के आगे राव लगा कर सोने वालों जागो, मैं कब कहता तुम हाकिम के आगे नाक को रगड़ो, मैं कब कहता तुम हाकिम के आगे नाक को रगड़ो, मैं कब कहता तुम हाकिम के दर पे पांव को पकड़ो, आंखों से तुम आंख मिलाकर कौम के हक को मांगो, और नाम के आगे राव लगा कर सोने वालों जागो, कौम के मान के खातिर बिस्तर छोड़ो नींद को त्यागो।